ये बताइए कि जब हम आपको कक्षा में कुछ काम करते हो और तुमको शाबाशी देते हैं सब, तो अच्छा लगता है ना? तुम्हारे सर या मैडम शाबाश वेरी गुड कहते हैं तो अच्छा लगता है ना? तो चलो आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे बालक के बारे में जिसको उस दिन जब कक्षा में उनके शिक्षक ने शाबाशी दी तो वो तो उदास हो गए, और जब उनकी प्रशंसा को ज्यादा करने लगे तो रोने ही लगे। कैसे? चलिए आज सुनते हैं सच्चा बालक। अब वो बालक को सच्चा क्यों कहा गया ये हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। उस बच्चे का नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक दिन गुरुजी ने कक्षा में गणित का सवाल हल करने को दिया। बच्चे उस समय तो सवाल हल नहीं कर पाए। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल सब इसे अपने घर से करके लाना। फिर छुट्टी हो गई और बच्चे सब अपने अपने घरों को चल दिए। दूसरे दिन जब बच्चे शाला में पहुंचे तो सब ने अपना अपना गृह कार्य गुरुजी को दिखाया, मगर किसी का भी सवाल ठीक नहीं था, किसी ने भी वो सही हल नहीं किया था। जब सब बच्चों ने अपना अपना गृह कार्य दिखा लिया तब बारी आई गोपाल की। गोपाल ने अपना जब हल किया हुआ सवाल गुरुजी को दिखाया तो सारे सवाल सही थे। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छे गोपाल, तुमने सारे सवाल सही सही किए हैं। जब ये कहने लगे तो गोपाल दुखी हो गया, उसके चेहरे में दुख के भाव आए। फिर गुरुजी बोले, बहुत अच्छे, देखो गोपाल ने कितने अच्छे से सारे सवाल हल किए हैं, ऐसे ही सभी बच्चों को हल करना चाहिए था, बहुत बढ़िया गोपाल, शाबाश। जैसे जैसे गुरुजी गोपाल की तारीफ करते गए वैसे वैसे गोपाल रोने लगा। फिर गुरुजी जब ज्यादा तारीफ किए तो वो तो फूट फूट के ही रोने लगा। अपनी तारीफ सुन के भला कोई रोता है? मगर गोपाल रोने लगा। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे गुरुजी तारीफ कर रहे हैं और ये तो रो ही जा रहा है। तब गुरुजी ने गोपाल से पूछा कि क्या हुआ गोपाल, ऐसे क्यों रो रहे हो, तुमने तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। तब गोपाल ने सिसकियां मारते हुए कहा कि गुरुजी आप जिस प्रश्न के लिए मेरी तारीफ कर रहे हैं वो तो मैंने हल किया ही नहीं, वो तो मैंने अपने बड़े भाई की मदद से हल किया था, तो मुझे अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है क्योंकि ये तो मेरी झूठी प्रशंसा है। गुरुजी ने गोपाल की बात सुनी तो वो एकदम गदगद हो गए। उन्होंने खुशी से गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की और कहा कि तुम बहुत अच्छे बालक हो, तुम बड़े होकर जरूर देश का नाम रोशन करोगे और अच्छे इंसान बनोगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसे शाबाशी दी। जानते हो बच्चों वो गोपाल कौन था? वो गोपाल बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जानते हो आप कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनको अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आप सबको भी ऐसे ही सच्चाई के साथ हर बात को रखनी चाहिए, कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, कहानी सुनिए ना ध्यान से, तो मेरे सवालों के जवाब देंगे आप लोग। ठीक, चलिए ये बताइए कि गोपाल को सच्चा बालक क्यों कहा गया? कोई बताएगा इसका उत्तर? क्योंकि गोपाल ने सच्ची सच्ची बात बता दी कि उसने सवाल खुद से हल नहीं किया था, उसने सवाल हल किया था अपने भाई की मदद से, इसलिए उसे सच्चा बालक कहा गया। ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले
क्यों प्रसिद्ध हुए? क्यों प्रसिद्ध हुए कोई बताएगा? गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो विचारक, समाज सुधारक और बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। बच्चों आइए चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ जिसके अर्थ नीचे लिखे हुए हैं, उसे ढूंढ के आपको उनके साथ मिलाना है, ठीक है? तो चलिए शब्द देखिए, प्रयत्न, प्रत्येक और प्रशंसा। कौन कौन से शब्द है? प्रयत्न, प्रत्येक और प्रशंसा। अब नीचे देखिए उसके अर्थ लिखे हुए हैं, तारीफ, कोशिश और हर एक, ठीक है? अब बताइए प्रयत्न का क्या होगा? ढूंढिए इसमें से। प्रयत्न बोले कोशिश, प्रयत्न का कोशिश। और प्रत्येक का, प्रत्येक का हर एक, ठीक। और प्रशंसा, प्रशंसा यानी तारीफ, प्रशंसा यानी तारीफ। वेरी गुड, आप लोगों ने तो सब हल कर लिया। अब चलिए एक और करते हैं, ठीक है? अब आपको करना है सही जोड़ी मिलाना है, ठीक। सही जोड़ी मिलाएंगे हम, दो कॉलम बनाएंगे, एक में शब्द दूसरे में वाक्य, आपको सही जोड़ी उसमें से मिलाना है, ठीक है? देखिए गुरुजी, देश, गोपाल और गणित। और दूसरी तरफ है फुट फुट कर रोने लगा, का सवाल किसी ने हल नहीं किया, स्वतंत्र हो गया और प्रसन्न हो गए। अब सोचिए किसके साथ क्या मिलेगा? सोचिए गुरुजी के साथ क्या मिलेगा? गुरुजी क्या हुए? प्रसन्न हो गए, ठीक। फिर देश, देश क्या हुआ? देश स्वतंत्र हो गया। और गोपाल, गोपाल क्या किया? सोचो सोचो कहानी में क्या हुआ था गोपाल के साथ? गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। और गणित का सवाल किसी ने हल नहीं किया, है ना? अच्छा बच्चों, तो अब आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ, आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसके आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि आप यदि गोपाल की जगह होते तो क्या करते? समझ में आ रही बात? आप यदि गोपाल की जगह होते तो क्या करते? आपको अपने से लिखना है ना? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न कि गोपाल कृष्ण गोखले के जैसे ही किसी अन्य महापुरुष के जीवन की घटना आपको लिखनी है, ठीक है? गोपाल कृष्ण गोखले की जगह ही किसी अन्य महापुरुष के जीवन की घटना कॉपी में लिखनी है। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा की सहायता ले सकते हैं, अपने बड़े भैया दीदी की सहायता ले सकते हैं, या फिर किताबों की भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये करना है, आपका ये कार्य है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।